दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नोट मेकिंग और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एम जो आपके वन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो क्लास टेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ स्टूडेंट्स के लिए है तो चलिए फिर वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मेकिंग होती क्या है वट इज नोट मेकिंग नोट मेकिंग इज वे ऑफ रिकॉर्डिंग द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन इन पॉइंट फ्रॉम ए सोर्स सो दैट इट कैन बी रिमेम्बर्ड इजली नोट मेकिंग एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम एक बड़े सोर्स से इंफॉर्मेशन को पॉइंट्स में लिखते हैं ताकि हम इसे आसानी से याद रख सके दोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्वी लॉन्ग डिलीवर्ड स्पीच डिबेट डिस्कशन ऐसे आर्टिकल पैसेज न्यूज पेपर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग तो जब भी हमें किसी का नोट्स बनाना हो तो हमें सबसे पहले टाइटल लिखनी होती है और वो भी कैपिटल में उसके बाद जितने सारे हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किए होते हैं उनको हम मेन पॉइंट और सब पॉइंट्स में लिखते हैं नेक्स्ट व्हाट शुड वी कीप इन माइंड ड्यूरिंग नोट मेकिंग जब भी हम किसी चीज का नोट्स बना रहे हैं उस समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी रिटेन इन नोट मेकिंग सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही नोट मेकिंग में लिखना है नोट शुड बी रिटेन इन फ्रेज नॉट इन सेंटेंस नोट मेकिंग में हमें पूरे सेंटेंस को नहीं लिखना है बल्कि हम उसे शॉर्ट में यानी फ्रेज में लिखेंगे नोट्स शुड बी प्रिपेयर इन प्रोपर सिक्वेंस नोट्स को हमें प्रॉपर सिक्वेंस में तैयार करना चाहिए सिंबल एंड एब्रीविएशन ऑफ लॉन्ग वर्ड्स ये कुछ एग्जाम्पल है नोट मेकिंग में यूज होने वाले कुछ सिंबल्स और एब्रीविएशन का आप इसे देख लो अब हम लोग देखते हैं नोट्स मेकिंग में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नोट मेकिंग ऑप्शन है इट हेल्प अस टू रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने में मदद करती है इट हेल्प अस टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन इजिली किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से याद करने में हमें मदद करती है इट हेल्प अस टू रिकॉर्ड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट यह हमें मदद करती है किसी भी इंफॉर्मेशन को संक्षिप्त में रिकॉर्ड करने में या ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी नॉट यूज इन मेकिंग हमें मेकिंग में इनमें से कौन सी चीजों को प्रयोग नहीं करना चाहिए ऑप्शन है सिंबल एवियशन फ्रीज आर्टिकल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन नोटमेकिंग नोटमेकिंग में हमें कौन सा चीज को अवॉइड करना चाहिए ऑप्शन है लॉन्ग सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस लॉन्ग वर्ड्स ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश ऑफ द फ्लाइंग कैन बी यूज इन मेकिंग इनमें से किसका प्रयोग हम नोट मेकिंग में कर सकते हैं ऑप्शन है मेन हेडिंग सब हेडिंग सब सब हेडिंग ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड द टाइटल ऑफ नोट मेकिंग बी रिटेन मेकिंग में हम टाइटल किस तरह से लिखते हैं ऑप्शन है कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर बॉक ए एंड बी नॉन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कैपिटल लेटर नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट शुड बी नोट्स कैसा होना चाहिए ऑप्शन है शॉर्ट एब्रिविएटेड इंफॉर्मेटिव ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबल्स कैन बी यूज फ्रीली इन सिंबल्स हम किस राइटिंग में फ्रीली यूज कर सकते हैं ऑप्शन है लेटर राइटिंग नोटिस राइटिंग ऐसे राइटिंग नॉट मेकिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नॉट मेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ नोट मेकिंग इनमें से कौन सा नोट मेकिंग का एक पार्ट है ऑप्शन है सैल्यूटेशन डेट टाइटल डेजिग्नेशन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी टाइटल नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटेन इन नोट मेकिंग के दौरान हम नोट्स को किस तरह से नहीं लिखते हैं ऑप्शन है इडियम्स पॉइंट एब्रीविएशन कम्प्लीट सेंटेंस इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट सेंटेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट्स मस्ट बी रिटेन नोट्स को किस तरह से लिखा जाना चाहिए ऑप्शन है लॉजिकली क्लियरली बोथ एंड बी ऑल ऑफ इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड अ नोट कंटेंट नोट में हम क्या डालते हैं ऑप्शन है कंप्लीट इंफॉर्मेशन लॉजिकल पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स बोथ ए एंड बी ऑल ऑफ डीज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बोथ ए एंड बी ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है वट शुड बी इंक्लूड इन नोटमेकिंग नोटमेकिंग में हम क्या शामिल करते हैं ऑप्शन ऑल ऑफ डीज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ डीज नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नोटमेकिंग नोटमेकिंग करने का प्रोसेस क्या होता है ऑप्शन रीड द पैसेज कैप्ली ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थी नोट मेकिंग से जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद